हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी आ गई है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए, पी लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन पहला है विलियम हार्वे, दूसरा वेटिंग, तीसरा लुई पाश्चर या फिर चौथा वाटसन। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विलियम हार्वे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा है, कौन सी किरणें त्वचा को हानि पहुंचाती हैं? पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज, दूसरा यूवी रेज, तीसरा एक्स रेज या फिर फोर येलो रेज। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, जो त्वचा को हानि पहुंचाती है वो कौन सी किरणें हैं? रेज मीन्स होता है किरणें, तो यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। राइट आंसर हो जाएगा यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। प्रश्न नंबर तीन है, बल का गुणनफल है, ऑप्शन फर्स्ट द्रव्यमान और वेग का, दूसरा द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा भार और वेग का या फिर चौथा भार और त्वरण का। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, आपको पता होगा एफ इक्वल टू क्या होता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, एफ इक्वल टू एम इन टू ए होता है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार है, कैंडिला मात्रक है, पूछ रहा है कैंडिला किसका मात्रक है? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट है ज्योति फ्लक्स, दूसरा ज्योति प्रभाव, तीसरा ज्योति दाब या फिर चौथा ज्योति तीव्रता। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, गेस कीजिए, अपने आप को देखिए कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। प्रश्न नंबर फाइव है, अदिश राशि है, ऑप्शन फर्स्ट ऊर्जा, दूसरा बल आघूर्ण, तीसरा संवेग या फिर चौथा उपर्युक्त सभी। तो अदिश राशि और सदिश राशि आपको पता ही होगा। दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा, इसमें से कौन सी अदिश राशि है? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। प्रश्न नंबर छह है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन पहला वाटसन एवं क्रिक ने, दूसरा बेटिंग ने, तीसरा मैकुलन ने या फिर चौथा पिनकस ने। तो डीएनए की खोज किसने की थी, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। प्रश्न नंबर सात है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 7 अप्रैल, दूसरा 14 अप्रैल, तीसरा 5 सितंबर, चौथा 1 दिसंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को पता ही होगा आपको, 1 दिसंबर को भी पता होगा और 14 अप्रैल को भी पता होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर आठ है, एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा निर्मित हुए, मतलब किसके द्वारा बनाए गए? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूटों द्वारा, दूसरा बौद्धों द्वारा, तीसरा चंदेल राजाओं द्वारा या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा की गुफाएं किनके द्वारा निर्मित हुई? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों द्वारा। प्रश्न नंबर नाइन है, निम्न में से कौन संसद का प्रथम सदन है? ऑप्शन पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा या फिर चौथा विधान परिषद। तो कौन सा इनमें से संसद का प्रथम सदन है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निकोलस कापरनिकस था एक, ऑप्शन पहला
खगोलज्ञ, दूसरा ज्योतिषी, तीसरा अंतरिक्ष यात्री या फिर चौथा खगोल भौतिक शास्त्री। दोस्तों यहाँ पे भौतिक होगा, राइट, मिस राइटिंग हो गया। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन थे कापरनिकस? राइट आंसर हो जाएगा खगोल भौतिक शास्त्री। प्रश्न नंबर 11 है, तमिलनाडु में शिवकाशी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला कांच, दूसरा चमड़ा, तीसरा हीरा या फिर चौथा आतिशबाजी। तो तमिलनाडु में शिवकाशी किस उद्योग के लिए फेमस है? राइट आंसर हो जाएगा आतिशबाजी, आतिशबाजी के लिए यह फेमस है। प्रश्न नंबर 12 है, मौलिक अधिकार को किसके दौरान प्रलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन पहला साधारण चुनाव, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल या फिर चौथा उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो फंडामेंटल राइट किसके दौरान प्रलंबित किया जा सकता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। प्रश्न नंबर 13 है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन फैराडे, दूसरा रोएंटजन, तीसरा एच डेवी या फिर चौथा लाओसियर। तो एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रोएंटजन के द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है, एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन पहला अधिवृक्क, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पीयूष या फिर चौथा ऑटू। ये सारी ग्रंथियां हैं, तो बताइए एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पीयूष, पीयूष ग्रंथि के द्वारा एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? ऑप्शन पहला शुतुरमुर्ग, दूसरा उल्लू, तीसरा मैना या फिर चौथा कौवा। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर शुतुरमुर्ग। आइए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16 है, पाब्लो पिकासो था एक मशहूर? पहला ऑप्शन चित्रकार, दूसरा लेखक, तीसरा वक्ता या फिर चौथा संगीतकार। तो पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस चित्रकार थे, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17 है, ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन पहला सिस्मोलॉजी, दूसरा रेडियोलॉजी, तीसरा कॉस्मोलॉजी या फिर चौथा हाइड्रोग्राफी। तो ब्रह्मांड का अध्ययन बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18 है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन पहला गुरु गोविंद, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु नानक या फिर चौथा गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 10वें गुरु बताइए राइट आंसर, इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में करा दिया गया क्वेश्चन। दोस्तों राइट आंसर गुरु गोविंद। प्रश्न नंबर 19 है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है सिम्हा विष्णु, दूसरा अपराजितन, तीसरा भूपन राजा या फिर चौथा विष्णु गोरबर। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, पल्लव वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्हा विष्णु। प्रश्न नंबर 20 है, पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? ऑप्शन पहला नोट, दूसरा मैक, तीसरा रिक्टर या फिर चौथा हर्ट्ज। दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा, पराध्वनिक गति मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 21 है, अस्थाई भूकंप विज्ञानी वेधशाला स्थित है? ऑप्शन पहला लातूर में, दूसरा पूना में, तीसरा शिलोंग में या फिर चौथा सिलीगुड़ी में। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लातूर में, अस्थाई भूकंप विज्ञान वेधशाला लातूर में स्थित है।
प्रश्न नंबर 22 है, जल के शोधन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला आयोडीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन या फिर चौथा साइनाइड। तो जल को कैसे शुद्ध किया जाता है, सिंपली ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जल के शोधन के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। ऑप्शन पहला वेनसांग, दूसरा फाहियान, तीसरा मेगास्थनीज या फिर चौथा निकोलो कॉन्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था बताइए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 24 है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है। ऑप्शन पहला राज्यपाल, दूसरा स्पीकर, तीसरा मंत्रिपरिषद या फिर चौथा उच्च न्यायालय। तो राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, राइट आंसर दोस्तों राज्यपाल होता है। तो राइट आंसर राज्यपाल। प्रश्न नंबर 25 है, डेसिबल किसकी इकाई है? पहला ध्वनि की तीव्रता, दूसरा प्रकाश, तीसरा ताप, चौथा विद्युत। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देना चाहिए ध्वनि की तीव्रता। तो आज की टेस्ट सीरीज दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, फिर अगला पार्ट आपको मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।